आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव समझो आ ही गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जो दिग्गज हैं वो भी मैदान में उतरे हैं, जनता के बीच दिखाई दिए जा रहे हैं। बात अगर अमित शाह की जाए तो अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा सीट से उनके द्वारा आज नामांकन पत्र भरा जाएगा। नामांकन पत्र भरने से ठीक पहले उनका रोड शो जो हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनसैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आया। साथ ही आपको ये बता दें कि इस रोड शो के दौरान यहां पर तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो मौजूद रहे। आप देख सकते हैं अमित शाह के साथ यहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ ही उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख यहां पर मौजूद रहे, प्रकाश सिंह बादल अकाली दल प्रमुख यहां पर उनके साथ मौजूद रहे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सबसे पहले वो घर से निकले तो उन्होंने जनता का आशीर्वाद लेना शुरू किया, परिवार वालों का आशीर्वाद लिया। और जब रोड शो यहां पर हो रहा था तो आप जो जनता है, जो सैलाब है उसे देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर सैलाब उमड़ा है। तो आपको बता दें कि रोड शो अभी भी जारी है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोड शो अभी भी जारी है और यहां पर लगातार जो जनता है अमित शाह के लिए यहां पर पहुंच रही है। जब अमित शाह से यह सवाल किया गया कि विपक्ष इस रोड शो को कैसे देख रहा है या फिर जिस प्रकार से गांधीनगर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसे कैसे विपक्ष देख रहा है, तो उन्होंने सीधा सा ये जवाब दिया कि जो यहां पर जनता पहुंची है, जो यहां पर जनसैलाब उमड़ा है वही इस बात को दर्शा देता है, वही इस बात को बता देता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको गांधीनगर की दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो हुआ। नामांकन पत्र भरने से पहले ये रोड शो यहां पर हुआ है। अमित शाह का और उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। ये रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आज के सवाल, लोकसभा के दंगल में उतरे अमित शाह, मोदी के बेहद करीबी हैं शाह, बीजेपी की जीत का आधा सेहर उनके सिर भी, अमित शाह का क्या भविष्य देखते हैं आप? मोदी के बाद शाह के पास होगी बीजेपी की कमान? क्या अमित शाह पाएंगे ऊंचा पद? तो लोकसभा के दंगल में अमित शाह भी उतर चुके हैं और पहली बार चुनाव लोकसभा सीट के लिए उनकी ओर से लड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि गांधीनगर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नामांकन पत्र उनके द्वारा आज दाखिल किया जाएगा। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलदेव सिंह सिरसा से हैं। बलदेव सिंह स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, क्या राय है इस पर आपकी? मैं ये कहूंगा जी कि ये अच्छे संगठन करता है और मोदी साहब के विश्वसनीय साथी हैं, तो इनको ऊंचे, जहाँ तक ऊंचे पद की बात है तो वो पहले से ही ऊंचे पद पर हैं, इससे ऊंचा पद और क्या होगा। और ये दोनों जोड़ी अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस ने जो इस देश का नीचे गर्क में पहुंचा दिया था उसको कुछ हद तक इन्होंने ऊपर लाए हैं, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि इनका अच्छा भविष्य है। पर इसके साथ ही मैं एक कहना चाहूंगा, किसानों की तकलीफ कि हरियाणा के अंदर आज इन्होंने 4200 सरसों का रेट किया हुआ है जबकि मार्केट में 3200 से और 3200-3300 तक बिक्री है। तो मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये उसके ऊपर प्रशासन पर दबाव दे और जमींदारों के ये लगा रखा है अभी आप फर्द लाओ, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो ये किस जरूरत, जब इन्होंने पहले ही फसल मेरा ब्यौरा गया तहत इन्होंने दर्ज कर रखी है, इनके पटवारी दर्ज करते हैं भी किस किसान के पास कितनी जमीन है, तो उसके बाद में ये चीजें किसान को परेशान करने के लिए किस लिए। अगर ये ठीक नहीं किया तो हरियाणा में बीजेपी को लॉस, बहुत भारी लॉस होगा, क्यों, एक तो किसानों का और दूसरा किसान चौटाला साहब के समर्थक हैं उनका भी ये अपना साथ नहीं दे रहे, तो उसका खामियाजा हरियाणा में इनको भुगतना पड़ेगा जबकि ये अच्छी जोड़ी है। जी बलदेव सिंह बिल्कुल शुक्रिया जो आपने राय रखी। अगले दर्शक हम रुक करेंगे, राम प्रकाश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम प्रकाश आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर, जी क्या राय है इस पर आपकी? अमित शाह का भविष्य तो इस चुनाव की जीत पर निर्भर करेगा, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करा तो आगे भी वो उनका अच्छा रहेगा,
और दूसरा जैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपनी भाषणों में अपनी उपलब्धि बताते हैं, विपक्षों की बुराई करते हैं, लेकिन अपने अगले आगे वाले की घोषणाएं नहीं करते कि हम उन्हें नया क्या देंगे, क्योंकि जनता जो है हर समय नई चीज को जाती है, जो उसके पास चीज वैल्यू मिल उसको चीज मिल जाती है उसकी अहमियत उसके लिए कुछ नहीं होती है। जब तक नई घोषणाएं नहीं करेंगे, जैसे राहुल गांधी नई घोषणाएं कर रहे हैं तो वो जनता को तरीके लालच दे रहे हैं कि हम 72,000 रुपए साल देंगे, हम नीति आयोग खत्म करेंगे करेंगे, कहीं जनता उसके ट्रैप में ना फंस जाए, जब तक नई घोषणा भी करनी चाहिए। और दूसरा इसमें जो है और इनके थोड़ा नया और दूसरा कि यह राहुल गांधी ने जो है वो जेएनयू के कन्हैया कुमार को अपने इस पार्टी में लिया, जबकि ये देश विरोधी नारे वाले तो इनके तो ये भी इन्होंने गलत करा है, इनके इनके नेता संदीप चौधरी की बेटी भी इसमें शामिल थी नारे लगाने में, तो ये सब नहीं करना चाहिए इनको। जी राम प्रकाश, शुक्रिया जो राय आपने रखी। अगले दर्शक का हम रुख करेंगे, अगले दर्शक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर, जी क्या राय है उस पर आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब स्थिति मुझे देखने को मिल रही है, जो शायद देश के आम नागरिक के लिए गर्व की बात है। एक बूथ का कार्यकर्ता जो पोस्टर चिपकाता था अपनी पार्टी के लिए, वो पार्टी का अध्यक्ष बन गया। उसी प्रदेश का एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आम साधारण नागरिक के लिए गर्व की बात है। परंतु वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी है, पहले जवाहरलाल नेहरू बना जी, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बना, सोनिया गांधी बनी और अब राहुल गांधी। वहां तो जो है कुर्सी तैयार है। जैसे कल मैंने प्रियंका का बयान देखा तो वो कह रही है कि मैं बनारस से चुनाव लड़ू। भाई तेरे को कौन रोक रहा है, तू जा हुआ करके दे, दिखा कुछ, तेरे राष्ट्र के लिए क्या किया, तेरा सहयोग क्या है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो हरियाणा की जमीनें खा गया, इससे ज्यादा सहयोग आप क्या दे सकते हो। जी चंद्र प्रकाश शुक्रिया, जो राय आपने रखी। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है। बीजेपी की जीत का आधा सेहरा मोदी के सर भी लगेगा। अगले दर्शक कपिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। अमित शाह का क्या भविष्य देखते हैं कपिल आप? मैडम मैं भविष्य देखता हूँ जी, अमित शाह ही तो जीते पड़े हैं जी वहाँ पे गुजरात से जी। और मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी ये हमारे पीएम पे आरोप लगाती है कि चौकीदार चोर है, रफेल घोटाला और गरीबों को धोखा दिया, ये दिया वो दिया। मैडम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बस जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं वो खाली बीजेपी के लिए खर्चाई कर रहे हैं, वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं ना जी। उन्होंने अभी बालाकोट में जो हमला करा, हमारी सुरक्षा तो करी ना, ये पीएम से सबूत मांगते हैं बार बार के, सबूत दो कितने मरे कितने नहीं मरे, तो इससे मैडम ठेस पहुंचती है। अभी हमारे पीएम ने यहाँ पे रैली करी थी मेरठ में, उससे उन्होंने सारा चुनाव पलट दिया, जहां तक हम उनके खिलाफ में जा रहे थे अब हम उनके पक्ष में है जी। शुक्रिया कपिल जो राय आपने रखी। अगले दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं मखे सिंह। मखे सिंह आपका भी स्वागत करते हैं हम खबर अभी तक पर, आप बताइए क्या सोचते हैं इस पर आप? मास्क करके टेक दिया जी, बीजेपी ने भाई भाई आपस में कर दिया जी, जवान और किसान इस बीजेपी ने नाश करके दे देश का जी। जी शुक्रिया जो आपने राय रखी। तो आज के सवाल, मोदी के बाद शाह के पास क्या बीजेपी की कमान होगी और ऊंचा पद अमित शाह को मिलेगा? अमित शाह ऊंचा पद पाएंगे, ये आज के सवाल है जिन पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। लोकसभा के दंगल में उतरे अमित शाह, मोदी के बेहद करीबी हैं शाह। बीजेपी की जीत का आधा सेहरा उनके सिर भी। अगले दर्शक हमारे साथ चंद्रपाल टोहाना से जुड़ चुके हैं। चंद्रपाल स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, क्या राय है आपकी? जी जी जो मोदी जी हैं काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ जो सुभाष बराला जी हैं उसने कुछ भी नहीं किया। हमारे मोहल्ले पे आके देखो सड़कें पानी से ही मुताज कर दिया उसने जी। पर जो मोदी जी है वो तो ठीक है, जो राय रखी सुभाष बराला जी है वो कोई काम नहीं कर रहे हमारे लिए और ना कोई नई योजना जी बता जी शुक्रिया। तो आज के सवाल ये है कि क्या अमित शाह ऊंचा पद पाएंगे? और अगले दर्शक हिमाचल प्रदेश से मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन आपका भी स्वागत करते हैं हम खबरें अभी तक पर, बताइए क्या है इस पर आपकी राय? मेरी राय तो ये है, बाकी तो बीजेपी में ठीक है, लेकिन ये जो बुजुर्गों की बेकदरी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है जी।
शुक्रिया मदन जो आपने राय रखी। अमित शाह का क्या भविष्य देखते हैं आप, क्योंकि चुनावी दंगल में अब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी उतर चुके हैं। मोदी के बाद शाह के पास क्या बीजेपी की कमान होगी, ये सवाल है आज का। क्या अमित शाह ऊंचा पद पाएंगे? गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह की ओर से चुनाव लड़ा जा रहा है, रोड शो जारी है और अमित शाह को आप देख सकते हैं यहां पर जनता से मुखातिब हो रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता भी मौजूद हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, नितिन गडकरी। वहीं आपको बता दें कि अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल भी उनके साथ मौजूद हैं। अगले दर्शक हमारे साथ प्रेम जुड़ चुके हैं चेन्नई से। स्वागत है प्रेम आपका खबर अभी तक पर। क्या सोचते हैं इस पर आप, और क्या भविष्य होगा इस राजनीति में अमित शाह का? अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे जी। जी मेरा जी प्रेम, शुक्रिया प्रेम जो आपने राय रखी। तो आपको बता दें मोदी के बेहद करीबी शाह माने जाते हैं और उसके साथ ही उन्हें बीजेपी की राजनीति का चाणक्यकार भी कहा जाता है। अगले दर्शक जींद से जोगिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगिंदर आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी क्या राय है इस पर आपकी? पहले ही बड़ा पद है, इसे बड़ा क्या पद चाहिएगा जी? अब तो ये प्रधानमंत्री जी भी इलेक्शन हारेंगे जी। जी प्रधानमंत्री जी भी इलेक्शन हारेंगे जी, मोदी तो सांसद भी नहीं बन पाऊंगे, क्योंकि जाति पाति की राजनीति की है इन्होंने, एक दूसरे को लड़ा दिया है। सारा देश में पूरा पूरा विरोध है जी, पूरा विरोध है, मजदूरों में किसानों में सब परेशान है, टोटल की टोटल जी, ऑल टू ऑल सारे भारत में कांग्रेस आएगी जी पूरी। जी शुक्रिया जोगेंद्र जो आपने राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ नगर से। स्वागत करते हैं अमर आपका भी हम खबर अभी तक पर। क्या राय है इस पर आपकी? मैं बताना चाहूंगा आपका जो सवाल है कि अमित शाह जी का मतलब क्या हो सकता है भविष्य, तो इससे ज्यादा भाजपा तो नहीं दे सकती मेरे को लगता है, कि बीजेपी का अध्यक्ष बना दी और आगे जो उनका प्रमोशन होने वाला है, हमको लगता है जहां तक कि किसी मंत्रालय या गृह मंत्रालय और तमाम जगहों पर नवाजा जाएगा, उनका भविष्य यही है हमको लगता है जो। जी शुक्रिया जो आपने राय रखी। तो मोदी के बाद शाह के पास क्या बीजेपी की कमान होगी, ये बड़ा सवाल है आज का। क्या अमित शाह ऊंचा पद भी पा सकते हैं, इससे बड़ा ऊंचा पद? अभी हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इससे ऊंचा पद भी उन्हें मिल सकता है। लोकसभा के दंगल में अमित शाह उतर चुके हैं और आज नामांकन पर्चा उनकी ओर से भरा जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस तक उनका ये रोड शो और जनता का उमड़ता सैलाब। अगली दर्शक नीतू लखनऊ से जुड़ चुकी है। नीतू स्वागत करते हैं खबर अभी तक पर। क्या राय आपकी इस पर? हाँ मैम, मेरी ये राय है कि देखिए लाल कृष्ण आडवाणी को तो जब इन्होंने ऊंचा पद नहीं दिया तो ये अमित शाह को क्या, अमित शाह को ऊंचा पद कैसे दे देंगे बताइए? चुनाव अगर मान लीजिए हार गए तो क्या नीचा पद देंगे क्या? ये से उनका वैसे ही रहेगा जैसा है मामला, और कुछ नहीं, मोदी कुछ नहीं चेंज करने वाले उनको। जी नीतू शुक्रिया जो आपने राय रखी। तो आपको बता दें कि मोदी के बेहद करीबी हैं शाह, और आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। बीजेपी की जीत का आधा सेहरा उनके सर भी लगेगा, नामांकन पत्र आज भरने जाएंगे वो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह का क्या भविष्य आप देखते हैं, या बीजेपी की कमान होगी, उतर चुके हैं चुनाव उनके द्वारा लड़ा जाएगा, और इसी को लेकर नामांकन पत्र आज वो भरेंगे। सबसे पहले जब वो परिवार से मिलकर निकले तो परिवार जनों का उन्होंने आशीर्वाद लिया, और उसके बाद उनके द्वारा रोड शो किया जा रहा है और जनसैलाब यहां पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पत्रकारों की ओर से सवाल पूछा गया कि विपक्ष इसे कैसे देखता है, तो अमित शाह का यह सीधा सा जवाब था कि आप जनसैलाब से ये अंदाजा लगा सकते हैं, और विपक्ष को इस जनसैलाब से ही अपना जवाब भी मिल गया होगा। तो आपको बता दें अमित शाह के बारे में अगर बात की जाए तो वो मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसके अलावा उन्हें बीजेपी की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, और अक्सर पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में उनकी शिरकत भी रही है। गांधीनगर से जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी सांसद है, जहां से
उन्हें टिकट इस बार नहीं मिल पाया है, अमित शाह उनकी जगह पर उतरे हैं, उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है और आज अपना नामांकन पत्र अमित शाह की ओर से दाखिल किया जाएगा। और ठीक उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनके रोड शो की है, जब रोड शो शहर से होता हुआ गुजर रहा था। अगले दर्शक हमारे साथ तिलक राज करनाल से जुड़ चुके हैं। तिलक राज, आपका स्वागत करते हैं खबर अभी तक पर, जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी। हेलो जी तिलक राज, स्वागत है खबरें अभी तक पर, क्या राय है आपकी? राय जी, अब की बार ये 30 लाख का घोषणा करेंगे जी बीजेपी वाले जी। जी तिलक राज, हाँ जी जी, शुक्रिया शुक्रिया तिलक राज, जो आपने राय रखी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप भी अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है। क्या बीजेपी की जीत का जो आधा श्रेय है वो पीएम मोदी को भी जा सकता है, क्योंकि अमित शाह पीएम मोदी के बेहद करीबी माने गए हैं। मोदी के बाद अब क्या शाह के पास बीजेपी की कमान होगी, ये बड़े सवाल है आज के। क्या अमित शाह ऊंचा पद पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, जहां पर आप फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय को रख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के दंगल में अमित शाह उतर चुके हैं। आपको बता दें कि ये जो लोकसभा चुनाव है, राजनीति की दशा के साथ साथ भविष्य की राजनीति की दिशा को भी तय करेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इस चुनाव को अहम माना जा रहा है और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से कमर कसकर तैयारी भी की जा रही है। चुनावी मैदान में सभी बड़े बड़े राजनीति दिग्गज उतरे हुए हैं और साथ ही जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से समीकरण भी लगाए जा रहे हैं। वहीं अमित शाह को गांधीनगर से टिकट इस दौरान दिया गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए अमित शाह निकले हैं, उनके साथ जनसैलाब उमड़ा है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूल भी यहां पर बरसाए जा रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अमित शाह का क्या भविष्य देखते हैं आप, ये आज का सवाल है। मोदी के बाद शाह के पास बीजेपी की कमान होगी, ये भी आज का सवाल है, क्योंकि कुछ ये अहम सवाल है। मोदी के बेहद करीबी भी हैं अमित शाह, साथ ही बीजेपी की राजनीति के चाणक्य भी उन्हें कहा जाता है। बीजेपी की जीत का आधा श्रेय अमित शाह को भी जा सकता है, ये आज के बड़े सवाल हैं। अमित शाह का क्या भविष्य आप देख सकते हैं, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। मोदी के बाद शाह के पास अब कमान होगी। अगले दर्शक हमारे साथ राहुल लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। राहुल, आपका स्वागत करते हैं खबरें अभी तक पर, क्या राय है इस पर आपकी? नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अमित शाह निकाल रहे हैं अपना नामांकन के लिए, उस तरीके से जो है हमें नहीं लगता है कि इस बार इनका जो है कुछ हो पाएगा और इनको जो है पूरी तरीके से हारना पड़ेगा जी। जी राहुल, शुक्रिया जो आपने राय रखी। तो राहुल हमारे साथ जुड़े लखीमपुर से, आप भी हमारे साथ जुड़िए और फोन कीजिए, बताइए क्या है इस पर आपकी राय। क्या अमित शाह ऊंचा पद पाएंगे, ये बड़ा सवाल है आज का, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दंगल में अमित शाह भी उतर चुके हैं। अगले दर्शक चंडीगढ़ से मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर, क्या राय है आपकी? मोहन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो शायद मोहन से हमारा संपर्क कर चुका है, लेकिन आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। मोदी के बाद शाह के पास क्या बीजेपी की कमान आ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, उन्होंने इस चुनावी मैदान में अपना कदम रख लिया है। नामांकन पत्र आज उनकी ओर से भरा जाएगा। लोकसभा के दंगल में अमित शाह उतर चुके हैं और नामांकन पत्र उनकी ओर से भरा जाएगा। अगले दर्शक हमारे साथ हिमाचल से धनी राम जुड़ चुके हैं। स्वागत है धनी राम आपका खबर अभी तक पर, क्या राय है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, मैं राय देता हूँ जी। जी सुनने में आया मोदी साहब ने, हेलो जी अमित शाह, जी अमित शाह क्या भविष्य देखते हैं इनका आप, ये आपसे जानना चाहेंगे धनीराम, बताइए। 80 लाख 80 करोड़ कर दिया इसने, तो हो सकता है अगली बार को अरबों में चला जाए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया धनीराम। तो अमित शाह का क्या भविष्य राजनीति में देखते हैं,
आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दंगल में अब अमित शाह भी उतर गए हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से उनकी ओर से चुनाव लड़ा जाएगा, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की जीत का आधा सेहरा भी उनके सर भी है। अमित शाह का क्या भविष्य आप देखते हैं इस राजनीति में? लोकसभा चुनावी अखाड़े में अब वो उतर चुके हैं, मोदी के बाद क्या शाह के पास बीजेपी की कमान होगी? जसप्रीत अगले दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं। जसप्रीत, स्वागत करते हैं खबरें अभी तक पर, क्या राय इस पर आपकी? नमस्कार जी। नमस्कार मैम। आने वाले टाइम में तो अमित शाह जी लगते हैं कि प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी चौकीदार को चोर बताते हैं जी, और खुद वो जमानत पे घूम रहे हैं जी, इस तरीके से वो ज्यादा चोर डाकू साबित होते हैं, ना कि मोदी जी और अमित शाह जी। जी जसप्रीत, शुक्रिया जो आपने राय रखी। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, गांधीनगर की तस्वीरें हैं जब अमित शाह का काफिला निकला और इस जलसे में तमाम लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया, एक जनसैलाब यहां पर उमड़ता हुआ दिखाई दिया, साथ ही फूल उन पर फूलों से उनका स्वागत किया गया और अमित शाह ने भी वापस फूल उन पर गिराकर अभिनंदन उनका किया। लोग जो यहां पर पहुंचे थे उनका अभिनंदन भी अमित शाह ने उन पर फूल गिराकर किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, कॉल कीजिए, बताइए क्या राय है इस पर आपकी। मोदी के बाद शाह के पास अब बीजेपी की कमान होगी, क्या आपको लगता है क्या अमित शाह ऊंचा पद इससे पा सकते हैं? लोकसभा के दंगल में उतरे अमित शाह, तो ये बड़े सवाल आज के जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से, लोकसभा सीट से आज अमित शाह की ओर से नामांकन भरा जाएगा। चंद्रशेखर अग्रे दर्शक हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, क्या राय है आपकी? चंद्रशेखर आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी मैम बोलिए। जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी, क्या अमित शाह ऊंचा पद पाएंगे और जिस प्रकार से वो लोकसभा चुनावों में उतरे हैं क्या भविष्य देखते हैं उनका आप? जी मैम, नरेंद्र मोदी जी के बाद हमें प्रधानमंत्री का जो भविष्य दिखता है वो अमित शाह जी के अंदर ही दिखता है। जी चंद्रशेखर। जी मैम शुक्रिया जो आपने राय रखी। तो चंद्रशेखर और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी के पास हो सकता है तो वो सिर्फ अमित शाह का हो सकता है। यही हमारे आज के सवाल हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए या फिर गुजरात की बात कर लीजिए, हर जगह इस समय जो सभी राज्य हैं चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। अगले दर्शक सहारनपुर से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर, क्या राय है आपकी? जी अमित शाह नंबर दो के नेता हैं जी बीजेपी के। जी जी सुरेंद्र। जी जी शुक्रिया सुरेंद्र, आपने भी यही राय रखी है। तो पीएम मोदी के बाद दूसरा नाम अमित शाह का ही दर्शकों के द्वारा लिया जा रहा है। अमित शाह ऊंचा पद पाएंगे ये सवाल बना हुआ है लोकसभा के दंगल में, क्योंकि अमित शाह उतर चुके हैं, गांधीनगर लोकसभा सीट से उनके द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा, आज नामांकन पत्र भी वो भर देंगे और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं।